तो आप इस साल हज पर जा रहे हो, तो हज पर सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो अक्सर लोग फेस करते हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार, बिकॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। रीजन, एक्सट्रीम क्लाइमेट। अंदर जाओ तो एकदम चिल्ड बिकॉज ऑफ एसी, और बाहर निकलो तो एकदम हॉट, इतनी गर्मी कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो आप क्या करते हो, जैसे वापस आते हो यू स्टार्ट हैविंग अ वेरी कोल्ड वाटर बाथ। ऐसा मत करना, बिकॉज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इट्स बेटर टू हैव अ हॉट वाटर शावर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हरम। सेकेंड, सुबह उठ के सबसे पहला ग्लास जो पानी का पिए वो गर्म हो, और रात को सोने से पहले जो पानी पिए वो भी गर्म हो। और अगर आपको गर्म पानी नहीं पसंद आता है तो आप उसमें एक चम्मच शहद मिला लीजिए और सुबह शाम शहद पानी पी लीजिए। उससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बची रहेगी और काफी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एज ऑल ऑफ अस नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉट वाटर गार्गल्स विथ रॉक सॉल्ट विल बी द अल्टीमेट प्रिवेंशन फॉर ऑल द सोर थ्रोट एंड ऑल द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, वाई? बिकॉज दैट इट सेल्फ इज अ नेचुरल एंटीसेप्टिक। वहां नहीं मिलेगा शायद, आप यहां से अपने घर से लेके जाना इंडिया से, राइट? और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जमजम का पानी जब पियो तो चिल्ड मत पीना। वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, नॉट कोल्ड डिस्पेंसर्स लगे होते हैं वहां पर, वो जरूर पीना ताकि आपका गला सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच।